आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पास्ता, जो बहुत ही मज़ेदार और कलरफुल है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं। चिकन मैंने ली है 1 पाव। इसका मैंने कीमा कर लिया है, ना ज़्यादा बारीक कीमा किया है ना ज़्यादा मोटा कीमा किया है। टमाटर मैंने लिए हैं 2 अदद। इसे मैंने स्लाइस कर लिए हैं, लंबे स्लाइस इसके मैंने किए हैं, ये भी ज़्यादा मोटे ना हो ना ज़्यादा पतले हो। प्याज मैंने लिए है 1 अदद, इसे मैंने चॉप कर लिया है। पास्ता को कलरफुल बनाने के लिए इसमें मैं 2 कलर की कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन एंड रेड। आप चाहें तो और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। 1 अदद ग्रीन कैप्सिकम, 1 अदद रेड कैप्सिकम इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, और साथ ही हरी प्याज यूज़ करेंगे। हरी प्याज का मैंने पीछे वाला हिस्सा लिया है, लहसुन मैंने यहाँ यूज़ किया है 2 से 3 अदद। इसे मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया है ताकि बच्चों के मुंह में इसका टेस्ट बिल्कुल ना आए। 1/2 kg मैंने पास्ता लिया है, दूध मैंने लिया है 1। आप अपनी पसंद का कोई भी पास्ता इसमें डाल सकते हैं। कुछ ड्राई मसाले तो जो मैं आपको साथ ही साथ बताती जाऊँगी, तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन हमने अच्छे से गरम कर लिया है, इतना हीट अप कर लिया है कि इसमें से स्मोक उठने लग जाए। अब हम इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी चॉप किए हुए प्याज, और मीडियम आंच पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए जो है मैं सौते करूंगी, ताकि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हमने इसे, हल्के हाथ से जो है चम्मच हिलाते रहना है, ताकि हमारे सारे प्याज़ों का कलर एक ही रहे। प्याज हमारे सौते हो गए, हम इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप किया हुआ लहसुन। प्याज़ों को मैंने ज़्यादा जो है सौते नहीं किया, क्योंकि इसके साथ में लहसुन को भी पकाऊंगी तो वो और ज़्यादा उसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने प्याज और लहसुन को सौते कर लिया था। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्लाइस किए हुए टमाटर। आप चाहे तो टमाटर प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस किए हुए टमाटरों का मज़ा ही अलग होगा। 5 मिनट टमाटरों को पकाने के बाद अब इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून नमक। 1 टेबल स्पून मैं इसलिए डाली क्योंकि मैक्रोनी जो हमने बॉईल की थी उसमें भी हमने नमक डाला है, तो 1 टेबल स्पून बेस्ट रहेगा। नमक डालने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जब अपना पानी छोड़ें तो उसमें लहसुन और प्याज जो बाकी सौते होने रह गया है वो भी सारा अच्छे से सौते हो जाए। आम टेक्सचर जो है वो इस तरह का हो गया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन का कीमा। आप चाहें तो गोश्त का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते कि वो बारीक हो, मशीन वाला कीमा हो, क्योंकि हम इसमें पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो टमाटरों का पानी है और जो इसमें जो हम चीज़ें डाल रहे हैं उसी में जो है हमारा चिकन का कीमा पक जाएगा। चिकन डालने के बाद तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और तब तक चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि चिकन में जो है टमाटर, नमक, लहसुन और प्याज जो है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और उसमें चिकन में एक जूसी सा टेस्ट आए। इस स्टेज पे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी दूध। आप इसमें चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। यही वजह है कि मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने दूध का इस्तेमाल करना था, और दूध डालने की वजह से आपके पास्ते का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। आप यकीन जाने के बच्चों को इस कदर पसंद आएगा कि वो आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि मामा हमें ये बनाकर ज़रूर दें। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि दूध सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्के हाथ से मीडियम आँच पर हम जो है चम्मच को हिलाएंगे, और आप देख सकते हैं चिकन में भी अपना पानी छोड़ा था, और जो दूध हमने डाला था उसमें चिकन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पक रही हैं। दूध को पूरी तरह मैंने पकने नहीं दिया है, क्योंकि इसमें मैंने अभी खुश्क मसाले डालने हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। काला ज़ीरा इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, जो मैंने डाली है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन पाउडर, जो 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाला है, और साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है अब, और स्मोक उठता हुआ बता रहा है कि सारे मसाले अच्छे से पक रहे हैं एक साथ। ज़ीरा पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और इसके टेस्ट को मज़ेदार मज़ीद बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अच्छा जी, अपने पास्ते को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए इसमें मैंने सारे स्पाइस ऐड कर दिए हैं, और मीडियम आंच पर इसे मैं तब तक पकाती रहूँगी जब तक कि बचे हुए दूध में सारे मसाले अच्छे से पक ना जाए।
चम्मच को आपने अच्छे से हिलाते रहना है हल्के हाथ से, ताकि जो दूध में चिकन में सारे स्पाइस अच्छे से मिक्स हो जाए। 2 से 3 मिनट के लिए जो हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे मीडियम आंच पर ही, और ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स अपनी, हरी प्याज की जो मैंने प्याज ली थी वो डाला है, और इसमें मैंने डाल रही हूँ 2 कलर की जो मैंने कैप्सिकम ली थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है अपने पास्ते कलरफुल बनाने के लिए। और हल्के हाथ से हम जो इसे हिलाएंगे मीडियम आंच पर ही, ताकि ये खड़ी खड़ी रहें और खिलें और खिला खिला हमारा पास्ता लगे, ताकि बच्चों को देख के एक्साइटमेंट हो, उन्हें हो कि भाई दिखने में ही इतना मज़ेदार सा लग रहा है और तो खाने में कितना यम्मी और टेस्टी होगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है सारा मटेरियल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा जूसी टेस्ट मैंने रहने दिया है, ताकि जो है कैप्सिकम में, चिकन में और सारे प्याज टमाटर में जूसी फ्लेवर आए। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे पास्ता। पास्ता हमने सारा इसमें ऐड कर दिया है, और इसे हम बहुत ही हल्के हाथ से हिलाएंगे, ताकि हमारे पास्ता जो है वो टूटे नहीं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा, चाहे वो बड़े हों चाहे वो बच्चे हों, आप सबसे वाह वाह बटोरेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको चिकन पास्ता कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चिकन पास्ता हमारा अच्छे से सारी चीज़ों में मिक्स हो गया है, अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो अब हम इसे प्लेट में सर्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना कलरफुल और बहुत ही मज़ेदार जूसी जूसी हमारा चिकन पास्ता बना है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रशिक्लाज आइडियाज़ की तरफ से। खुदा हाफिज़।